Hello everyone, myself Dr. Sonam Kundu, working as an endodontist at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry Model Town Hisar. आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक गम्स के बारे में, वो किस वजह से होते हैं, उनके कॉजेस क्या होते हैं एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ब्लैक गम्स के कितने कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से मसूड़े काले हो जाते हैं या काले दिखते हैं, डार्क कलर्ड दिखते हैं। सबसे पहला जो कॉज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि किसी किसी की मेलानिन पिगमेंट बाय बर्थ ही बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे मसूड़े डार्क कलर के दिखते हैं या फिर ब्लैक कलर गम्स दिखते हैं। सेकेंड जो रीजन होता है वो होता है स्मोकर्स मेलानोसिस। अब स्मोकर्स मेलानोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं या बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग करते आ रहे हैं, उन पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है कि जो निकोटीन होता है वो हमारे बॉडी में जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं उनको पुश करता है कि वो बहुत ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करें। इन द एंड रिजल्ट देखने को क्या मिलता है कि उनके जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रे कलर्ड या डार्क ब्लैक कलर्ड हो जाते हैं, इसलिए उनके मसूड़े काले दिखते हैं। थर्ड रीजन जो होता है, एक हमारे डिजीज होता है एडिसन्स डिजीज, उन पेशेंट्स में भी हमारे मसूड़े काले दिखते हैं। फोर्थ जो हमारा होता है वो ये होता है कि लैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं हम, लैक ऑफ स्लीप हो रही है, अच्छा हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रख रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारा, तो उस वजह से डेड स्किन फॉर्म हो जाती है, डेड टिश्यू फॉर्म होता है हमारा और हमारे मसूड़े काले दिखने लगते हैं। फिफ्थ रीजन जो हमारा होता है वो है एमलरम टैटू। अब एमलरम टैटू होता क्या है, पहले जनरली चांदी की फिलिंग करी जाती थी पहले के ज़माने में, तो उनमें क्या होता था, कुछ कुछ पेशेंट्स में जिस जिस दांत में चांदी की फिलिंग करी हुई है उसके रिस्पेक्ट पे एकदम ऑपोजिट साइड पे मसूड़े में या हमारे खाल में चीट्स में एक ब्लूइश डार्क कलर का या डार्क ग्रे कलर का एक वहाँ पे टिश्यू सा नजर आता है। सिक्स्थ जो रीजन है वो है एनर, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ये क्या है, ये एक मसूड़े की डिजीज है जिस वजह से हमारे गम्स काले हो जाते हैं या उनके डिस्कलरेशन हो जाती है। तो बेसिकली बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारे गम्स को डिस्कलर करते हैं, बट हर चीज का एक इलाज होता है। ऐसे ही जो गम्स डिस्कलर हो चुके हैं, ब्लैक हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, डीपिगमेंटेशन करते हैं, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसको आपको या आपके आसपास किसी को भी ऐसा कुछ है जिनको एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता है, स्माइल करते हो कि उनके मसूड़े काले हैं, तो वो हमारे यहाँ या फिर अपने फैमिली डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं, ताकि एस्थेटिकली स्माइल हमारी बहुत प्लेजेंट लगे। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।